इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए फाइलेरिया उन्मूलन पर संशोधित दिशा निर्देश और प्रचार प्रसार सामग्री को भी लॉन्च कर रहे हैं। ये संसाधन राज्यों में 90% कवरेज के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाई छू रहा है। 47 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। यही ने आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार माननीय एकनाथराव शिंदे जी के यशस्वी नेतृत्व में आदरणीय बालासाहेब ठाकरे के दिए हुए मार्ग पर चलते हुए बहुत ही शानदार काम कर रही है। हमारी सरकार में महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचित समूहों और गरीबी सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाया गया है और हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य लिम्फेटिक फाइलेरिया जैसी रोकथाम वाली बीमारियों को जड़ से समाप्त करना है, ताकि हमारे देश में ऐसी बीमारी के लिए कोई जगह ही न हो। इसके लिए सभी को आगे आकर दवाओं का सेवन करना चाहिए। आइए हम सभी एक स्वस्थ भविष्य के लिए ये मिशन में एकजुट होकर काम करें। मैं MDA चरण की सफलता के लिए आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी से जो हमारी अभी वार्तालाप हुआ, उसमें जो कुछ सुझाव यहां पर उन लोगों ने दिए कि जैसे कि हम दवा का सेवन करने के लिए तो सभी केंद्र, राज्य और सभी विभागों को साथ लेकर हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक सुझाव मुझे भी अच्छा लगा कि अगर ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है तो जैसे कि जो गरीब परिवार है वो गरीब परिवारों में भी आगे हम कुछ मच्छरदानी जैसे कुछ हम वहां पर दे सकते हैं क्या। और उसमें जो बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और कुछ राज्यों की अपनी भी आवास योजनाएं बहुत सारे राज्यों में चल रही है, तो क्या हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं क्या कि जो ऐसे पीड़ित लोग जो गांव में ज्यादा है, जो ब्लॉक में ज्यादा है या जो जिले में ज्यादा है, तो उन्हें ज्यादा घरों का टारगेट देके जो मिट्टी के घर में रहने वाले लोग हैं उनको अगर हम पक्के मकान अगर देंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी का जो बढ़ रही है, जो बीमारी होती है उसको हम रोकथाम करने में हम सफल हो जाए।